राइडर नहीं दे रहा मैं आगे बहुत तेज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम जा रहे हैं गोवा और अभी हमारी ये ट्रेन आई है और ये ट्रेन का नाम है मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस और हम अभी जा रहे हैं स्लीपर श्रेणी में। हम मेरी टिकट है और वो भी कंफर्म है तो अभी उसमें बैठने जा रहे हैं और हम आ गए। और भीड़ देखो आप कितनी सारी है ट्रेन में। बैठने में और आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को और अभी हमारी सीट में कोई दूसरा सज्जन बैठा हुआ था तो अभी हम उनको उठाएंगे और हम बैठेंगे। और उसके बाद रात हो गई थी तो ये ट्रेन आपको दिखाई दे रही है सामने। ये पुणे की ट्रेन है। दादा राम राम। राम राम। आप ये बोल रहे थे साथ में ये जा रही है हमारे साथ आगे पीछे, पहले पीछे थी अब आगे चली गई। और ये रही पुणे गोरखपुर बनारस है और ये जा रही है। हाय। बहुत ज़्यादा करीब है ये तो लगा हाथ। टनल है और मैं गुफा बोलूँ इसको क्योंकि इतनी बड़ी है कि 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर है गुफा। और ये आप देख सकते हो तालाब था, बहुत ही बड़ा तालाब है क्योंकि ये रास्ते में मेरे को दिखा है और इतना ज़्यादा मेरे को मज़ा आया इस चीज़ को देख के। ये नेचर वाइज बहुत प्यारी जगह मेरे को दिखाई दी। एक याद के तौर में मैंने ये वीडियो बनाई है और आप देख सकते हो कितना प्यारा लगा था। और ये तो कैमरे की बात अलग है, आप ऐसे में देखोगे ना आँखों से तो इतना प्यारा लगेगा ना आपको कि भाई दिल खुश हो जाएगा आपका। और हमें भूख बहुत ही लग रही थी तो हम ये महाराष्ट्र के आसपास ही थे तो वहाँ पे ये इडली मिली है और बड़ा पाव था तो वो खाया है। और सामने दीदी हैं और ये भैया हैं जिनके इनकी हस्बैंड वाइफ हैं और अभी हमने खाने में बहुत सारी चीज़ मंगा ली थी और हम थोड़ी देर बाद ना पहुँचने वाले थे वहाँ पे। भोपाल से गोवा के बीच में आपको टनल बहुत सारी मिलेगी और ज़्यादातर रतनगिरी स्टेशन के पास से और ज़्यादा हो जाएंगी थिबिम स्टेशन तक। गर्मी के टाइम में थोड़ा ठंडक भी लग रहा था इसमें। गाइस हम पहुंच गए थिबिम स्टेशन और गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट काफ़ी टाइम लेट थी और अब हम जा रहे हैं ऑटो स्टैंड। अब ऑटो स्टैंड पहुंचने के बाद आपको बताएंगे हम कहाँ रुक रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। और ये इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल की लड़कियाँ। ये हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस और हम भी निकलते हैं। और अभी आपको ऑटो की कहानी तो अभी पता ही नहीं है, मैं रास्ते में उतरा हूँ क्या बोलूँ मैं आपको। और वहाँ पे बहुत महंगा है यार, बहुत ही महंगा है वहाँ पे। ओला रैपिडो कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगी आपको, ये मिलेगा। और 20 किलोमीटर में भी आपको 1000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ऑटो में हमारा समथिंग लगा है 750 रुपये लगे। यहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे तो ऑटो वाले ने मेरे को उतार दिया और आगे वाले सवारी बता रहे थे कि मतलब आगे बैठना अलाउ नहीं है एक बंदे को। हम 4 लोग थे, मैं आगे बैठा हुआ था कि आगे एक बंदे को बिठाना अलाउ नहीं है। और हमारा ऑटो है ना बिल्कुल आगे, जस्ट आगे खड़ा हुआ, थोड़ा आगे में आगे खड़ा हुआ है और हम जाके वहाँ से बैठूँगा मैं। आप देख ही सकते हो दोनों साइड पुलिस खड़ी हुई है, सबको जाने जाने में दिक्कत है। और जब भी आप गोवा आओ तो आप अपना लाइसेंस लेके जरूर आना क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है लाइसेंस की। ये खड़ा मेरा ऑटो। गाइस मैं एक बार फिर उतर गया। अभी हम बीच में आ गए, इसे भागा बीच बोलते हैं हम, भागा बीच बोलते हैं। और अभी हम अभी मैं अपने रूम में जा रहा हूँ यहाँ से और बागा बीच से होते हुए जा रहा हूँ। और देखो कितना अच्छा सनसेट लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, देखने में मज़ा आ रहा है भाई। अरे मैं लाइव ही तो आ जाऊँ। ये बागा बीच के साइड में
रेस्टोरेंट है और यहाँ पे खाना पीना और आपको अगर बियर मियर पीना है, दारू पीना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोरियन बैठे हुए आप देख सकते हो, ये जो सामने बैठे हुए ये बियर रखी हुई है यहाँ पे, ये सब जगह पे। और यहाँ पे चलने में दिक्कत आ रही बहुत ज्यादा, ये देखो बाइक क्रॉस हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे चलने में बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ पे रेत पड़ी हुई बहुत ज्यादा, और मैं बैग में टांग के रखा हूँ। अभी मैं अपना होटल में नहीं गया, सीधे मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ सीधे मैं होटल में निकल जाऊंगा। और ये भाई ये नजारा भाई देखो भाई कितना प्यारा है यार, किसको नहीं चाहिए ऐसे नजारे। ओ भाई प्यारा प्यारा, चलना लेफ्ट साइड चलना इधर आएगा, यहाँ से लेफ्ट साइड मेरा होटल आएगा तो हम इससे जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मेरे को लग रहा है इससे जल्दी नहीं पहुँच पाएंगे हम, क्योंकि ये देखो अब कितना भाई कितना दबदब चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है भाई। और यहाँ पर सिगरेट कितनी पी के रखे हुए हैं यार, ये तो सिगरेट पड़ी हुई है यार, गजब की यार। ओहो मज़ा आ गया भाई, समुंदर देख के भाई इतना मज़ा, दिल पानी पानी हो गया भाई। गाइस आप इसकी लहरें देख सकते हो, कितनी प्यारी लग रही भाई, देखो ना आप कितनी प्यारी आ रही है यहाँ तक करी भाई। ये देख गीला हो जाएगा, मत करो गीला, तो देख रहे आप या होए होए होए, देखो कितनी प्यारी भाई, ये देखो ये आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, भागो हम तो मजे आएंगे यहाँ तो, देखो कितने मजे आ रहे। देखो यहाँ पर रोमांस चल रही है, रोमांस भाई काला गोरे पे रोमांस कर रही है भाई। और ये देख सकते हो आप यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। देखो मैं डायरेक्ट वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे को बोल रहे देखो वीडियो बना रहा है वो। भाई अब हम यहाँ से निकलेंगे, उनको लगे कि नहीं कि उनकी ही वीडियो बना रहा हूँ मैं। मेरे को काफ़ी एक्साइटमेंट था, ये मैंने पहली बार देखा है ऐसा, और समुंदर मैंने भी पहली बार देखा है, और मेरे को मज़ा बहुत आ रहा था। मैं लफ्ज़ नहीं मेरे पास, मैं इसको बता सकूँ आप अपनी जबान से, मैं इस चीज़ को तारीफ के पुल नहीं बांध सकता, क्योंकि ये मतलब एक अलग ही दुनिया है। मैंने पहली बार ऐसा देखा है, मेरे को बहुत अच्छा ही लग रहा था। हमने क्या गलती करी थी कि मैं पहली बार आया, मैं कुछ पता ही नहीं था, मेरे को जूता ना उतार के पैदल चल के जाना था इससे। गाइस अभी मैं काफ़ी लंबा चल के आए हैं, और रेत आप जानते हो कितनी ज़्यादा हैवी है यहाँ पे, चलने में दिक्कत आ रही थी। ये कलंगो आ गए, कलंगो मेरा रूम है, और भैया का बीच है बागा में, तो आप थकान इतनी हो रही पूछे मत, क्योंकि मैं रेत पे चला हूँ बहुत ज़्यादा, ऐसे से हो गई है। ओ भाई ये हम कलंगो आ गए, भैया खा ले यहाँ पे ये।